डबरा SDM ने की कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई, सभी कोचिंग संस्थान सील। डबरा नगर में ग्वालियर कलेक्टर के आदेश पर डबरा SDM श्रीमती जयसिंह सिंह ने किया कोचिंग संस्थानों को सील। संस्थानों के सामने रखे छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर 13 पॉइंट। डबरा SDM का बयान, कहा गुजरात के शहर सूरत में तक्षशिला इंस्टीट्यूट में हुआ हादसा दिल दहला देने वाला, प्रशासन नहीं चाहता डबरा नगर में हो कोई अनहोनी घटना। छात्र देश का भविष्य, उनकी सुरक्षा प्रशासन की प्रथम जिम्मेदारी। अब डबरा में बिना सुरक्षा व्यवस्था के नहीं होंगे कोचिंग संस्थान संचालित, तो वहीं दूसरी ओर कोचिंग संचालकों का कहना है कि यदि संस्थानों को अनसील्ड नहीं किया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। SRB अपने दर्शकों को बताना चाहता है कि महज कुछ ही दिनों में 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं और प्रशासन और कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर चल रही असमंजस के बीच क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अगर ऐसे में शिक्षण संस्थानें बंद हो जाती हैं तो अगर बच्चों का रिजल्ट खराब होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कोचिंग संचालक या फिर प्रशासन। डबरा से SRB पर जितेंद्र सिंह यादव के साथ निशांत साहू की रिपोर्ट। तो शिक्षक मांगों को लेकर आए थे, क्या मांगे थी? ये ग्वालियर जिले के कलेक्टर साहब श्री अनुराग चौधरी के निर्देशन में जो कोचिंग जिनमें कई नियम थे जिनका पालन नहीं किया जा रहा है, वो आपदा प्रबंधन के संबंध में, एंट्री एग्जिट के संबंध में है, अग्निशमन यंत्रों के संबंधों में, ऐसे कई निर्देश हैं, 13 बिंदु उन्होंने जारी करे हैं। जहाँ जहाँ भी कोचिंग में इसका नॉन कम्प्लायंस पाया गया है उस संबंध में कार्रवाई करी गई है। यहाँ पर उनको 7 दिवस का समय दिया गया है जिसमें वो जो भी उनमें अनियमितता पाई गई थी उसकी पूर्ति कर लें ताकि बच्चों को हम एक सुरक्षित माहौल दें और उस माहौल में ही वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। उनका कहना है मैम कि छोटी छोटी कोचिंगें हम इन गाइडलाइनों को पूरा नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ रियायत दी। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और उसके संबंध में उनको बताया गया है और मेरी पूरी आशा है कि वो इन जो हमारे सुरक्षा के मानक हैं इनकी पूर्ति करेंगे और उसकी पूर्ति के पश्चात ही वो सुचारू रूप से अपनी जो नहीं मांगे पूरी की गई तो क्या वो सीख की जाएंगी कुछ? उनको हमने कुछ समय दिया है और हमारे उनसे बात भी हुई है जिसमें उन्होंने आश्वस्त करा है कि जो पूरी अनियमितताएं पाई गई हैं उसकी वो पूर्ति करेंगे। कुछ कोचिंग संचालकों का कहना है कि जो आपने कोचिंग सील कर दी है बिना किसी नोटिस के कर दी है, या तो उनको पहले से समय देना चाहिए था। इसमें हमारी एक बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें ट्रेजेडी थी। इसके बाद ये जो है ये हमारे बिल्डिंग लॉज के अंतर्गत भी आता है, ये उनको पालन करना ज़रूरी है, उनके पूरे संज्ञान में था और उसके पश्चात उनको नोटिस दिया गया है, उनको 7 दिवस का समय भी दिया गया है अभी भी पूर्ति के लिए और मेरी आशा है कि उसकी पूर्ति कर लेंगे। अभी कुछ बच्चों के अभी एग्जाम है, उसके बावजूद क्या सारी कोचिंगें बंद हैं? उसके अलावा उनका भविष्य खतरे में है तो देखिए उनकी जान के ऊपर कोई खतरा ना आए ये हमारी प्राथमिकता है और एक सुरक्षित माहौल मिले जिसमें वो शिक्षा ग्रहण कर सके। आजकल वैसे भी गर्मी का सीज़न है, शॉर्ट सर्किट इत्यादि से घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हम चाहेंगे कि जो जितनी जल्दी वो पूरा कर लें, वो एक दो दिन में अगर अपने सुरक्षा के मानक पूर्ण कर लेंगे उसी प्रकार से उनकी जो कोचिंग है वो वापस की जाएगी। हाँ मैंने अपनी पुनः ये बता दिया, स्पष्ट की आवश्यकता नहीं। ऐसे कितने सेंटर हैं जो आपने बंद कर दिए सर? ऐसे 6 सेंटर हैं जिसपे कार्रवाई की गई है और इसकी आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे कार्यालय से आपको मिल जाएगा। सर आज आप लोग यहाँ आए हैं सभागार में, SDM मैडम से क्या बात हुई आपको कोचिंग संचालन में? SDM मैडम ने हमारी 13 बिंदु में से 2 बिंदु रिलैक्सेशन चाहते थे थोड़ा सा, लेकिन कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। 16 स्क्वायर फुट की पार्किंग का क्या औचित्य है आप बताइए? हमने कहा थोड़ा सा स्क्वायर उसमें दे, उन्होंने कहा किसी प्रकार से रियायत नहीं मिलेगी, 13 के 13 बिंदु होने, अन्यथा आप लोग कोचिंग बंद करके अपने घर घर सोइए। आप कौन कौन से बिंदु हैं आपके? हमारे बिंदु मेन बात तो पार्किंग की थी, पार्किंग की व्यवस्था है हमारे पास, छोटी पार्किंग हमारे पास और चौकीदार की व्यवस्था। अब चौकीदार इतनी बड़ी कोचिंग नहीं है कि मैं अलग से उसके गार्ड रख सकूं और उस गार्ड का 7,000 रुपए मैं कहां से दूंगा? मैं खुद 10,000 कमाने वाला आदमी 7,000 गार्ड को दूंगा तो मैं 3,000 में मेरी कैसे जीवन आपका चलेगी? आप कौन कौन से बिंदु फॉलो करने के लिए तैयार? हम सारे बिंदु करने के लिए तैयार है, सिर्फ 2 बिंदुओं के ऊपर हम इसमें जाए चौकीदार की व्यवस्था हो जाए या चौकीदार हमारी नहीं हो, और दूसरी व्यवस्था है कि हमारी पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी छोटी हो जाए। तो ये शासन द्वारा आदेश जारी हुआ है क्या? शासन द्वारा कोई आदेश नहीं मिला है, सीधी कोचिंग को सील कर दिया गया है। आप इस तानाशाही को क्या कहोगे? इस तानाशाही रवैया, हमें तो बिल्कुल एक प्रकार की सूचना, एक बिंदु पर भी सूचना नहीं दी गई, हमारी तो आगे सीधी कोचिंग बंद की गई, हमने सुविधाएं दिखाई लेकिन सुविधा को नजरअंदाज कर दिया उन्होंने और सीधी कोचिंग को आगे सील किया है। कल जो कार्रवाई की गई थी कि आपको सूचित करके कही गई थी, कोई सूचना नहीं है। इसके बाद अगर ये आपकी नहीं सुनी गई तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, आज से शैक्षणिक कार्य बंद कर देंगे, 100% बंद करेंगे। कुछ बच्चों की सप्लीमेंट्री उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो उनके
पक्ष में लिंक करेंगे, हमें शासन पढ़ाने की अनुमति तो दे, तो क्या खुलेंगे तो हम पढ़ाएंगे। तो क्या इसका जिम्मेदार शासन होगा? 100% शासन ही होगा, शासन ही 100% का जिम्मेदार होगा। बच्चे यदि सप्लीमेंट्री फेल होते हैं तो शासन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अभी मैडम से मिलने गए थे, उनका क्या कहना? तो उसमें क्या करेंगे? अरे तो हम तैयार हैं।